पापा का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी बढ़ चुका था, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण पापा जी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाया और पापा जी एक्सपायर हो चुके। हमारे जैसे कई लोग होंगे तो मैं ये सोची कि मतलब उनको किसी तरीके से हम हेल्प दिला सके, जैसे हम जिस तौर पे हम गुजरे हैं वह वो मतलब उनका सामना उनको ना करना पड़े, जैसे भी हो हेल्प उनकी हो सके। एक गार्ड की बेटी थी, उन्होंने स्टोव में खाना बनाते बनाते स्टोव फट गया था सर, तो वो जो बच्ची थी 75% जल चुकी थी सर, तो उसका बचना मुश्किल था सर। तो फिर भी उनके फैमिली मतलब जो मेरे को पता चला जो गार्ड की बेटी थी, तो उनसे हम बात किए सर, उन्होंने सेक्टर 9 में एडमिट किया, हमसे बात किया सर, तो हम जाके डिटेल लिए और डॉक्टर से भी पूरा स्टेटमेंट लिए उनकी ट्रीटमेंट की, तो 8 लाख तक का था सर कुछ समथिंग। तो उसके बाद हमारी टीम ने सर हम मैसेज बनाया आप फेसबुक आईडी में अपने उसको शेयर किया सर, और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया उस चीज़ को। हमारे साथ काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं सर, हम अकेले ही मतलब ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम मैसेज अपडेट करते हैं तो लोग हमारे साथ आके आगे बढ़ते हैं सर, हमारा साथ देते हैं।